अगर मैं बहुत अच्छा लगा है ना दोस्तों। बच्चों ये है अमारा, ये स्कूल में नया है और आज से ये हमारी क्लास में ही पढ़ेगा। मुझे आप सबका साथ चाहिए। मैंने सुना है ये बहुत ही चालाक है। अमारा क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं अभी मुझे ये कढ़ाई करनी है। अजीब लड़कियों जैसे शौक है। जी, पकड़ो। मैंने पकड़ लिया। तुमने तो कमाल का कैच पकड़ा। हाँ मैं जानता हूँ। अमारा तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? मैं ये बना रहा था। बहुत खूबसूरत रुमाल है। मैंने तुम्हारे लिए बनाया है सचमुच। सच्ची? मेरे लिए? आज स्कूल में हम लोगों ने बहुत मजा किया ना? ऐसा क्या खास था? ओहो इस पानी में तो मेरे नए जूते खराब हो जाएंगे। नहीं नहीं मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुमने अपना बैग खराब कर लिया। मेरे खातिर? तुम कितने अच्छे हो, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगी। अमारा अब क्या बताओ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ओह अमारा तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? मैं ये बना रहा था। अमारा मैं चलती हूँ, बाय। बाय ओमेगा। हाँ बाय। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। तुमसे पहले वो मेरी दोस्त है। लेकिन अब वो मेरी पक्की दोस्त है, समझ गए? हाँ तुम कितने गंदे लड़के हो। क्या क्या कहा तुमने? उसके सामने मीठी बातें और उसके जाते ही मुझे आंखें दिखा रहे हो। ज्यादा बकबकी ना तो तुम्हारा भुर्ता बना दूंगा। मुझे छोड़ दो। चलो अब चुपचाप मुझे झूला झुलाओ। सर आ गए। चलो तुम बैठ जाओ, बैठो। ये क्या हो रहा है हमारा? दरअसल सर कैनिची ने मुझे धमकी दी, इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ कर इसे झूला झूला रहा हूँ। कैनिची तुम्हारी इतनी हिम्मत, चलो घर जाओ। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। कैनिची नए लड़कों से हमेशा दोस्ती करनी चाहिए बेटे। दांत खाकर मजा आया ना? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे रुको मुझे तो तुम्हारे साथ घर जाना है। मम्मी कहाँ है? स्कूल से आ गए बेटा। ये हमारा है, मेरा नया स्कूल फ्रेंड। आपको सादर प्रणाम करता हूँ। कैनिची तुम अपनी मम्मी को ऐसे प्रणाम नहीं कहते क्या? ये तो पुराने जमाने का तरीका। दरअसल सर कैनिची ने मुझे धमकी दी, इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ है। हाँ तो क्या हुआ? ये लड़का कितना संस्कारी है। यह है मेरा कमरा। रुको। अब क्या हुआ? चलो पहले तुम अंदर जाओ। क्या कोई है? शायद ऊपर। अभी दिखा था तुम्हें। कहा गया? अच्छा तो तुम यहाँ हो। ऊपर इतना शोर क्यों है कैनिची? कुछ नहीं हम तो खेल रहे हैं मम्मी। अभी दिखाता हूँ। नहीं तुम ठीक तो हो ना कैनिची? तुम्हें क्या हुआ बेटा? हथौड़ी और कैनिची ने मुझे मारा। हथौड़ी कैनिची? क्या तुम दोनों भी अपनी सारी तमीज भूल गए हो? हमारी बात तो सुनिए मम्मी। कोई अपने दोस्तों के साथ इस तरह से पेश आता है? आप इन्हें ऐसे मत डांटिए आंटी जी। जो कुछ भी हुआ उसके लिए इन्हें माफ कर दीजिए, आखिर ये मेरे दोस्त हैं, है ना? बंद करो अपना। अच्छा तो तुम यहाँ हो। नाटक। आपकी डांट की वजह से अगर इन्होंने मुझसे दोस्ती तोड़ दी तो मैं अकेला रह जाऊंगा, फिर कोई मुझसे दोस्ती नहीं करेगा, फिर मैं क्या करूंगा? बताइए मैं क्या करूंगा?
नहीं रोते बेटा, देखा कैनेट जी, तुम्हारा ये दोस्त कितना जज्बाती और समझदार है। ये लड़का तो एकदम झूठा है। हाँ, अब मुझे उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या? अब देखना कल स्कूल में उसकी मैं कैसे छुट्टी कर देता हूँ। हाँ बहुत मजा आएगा, मैं बस एक बार उसकी वो शक्ल देखना चाहता हूँ। ओए, कल हमारे बीच जो कुछ भी हुआ अगर उसके बारे में किसी को भी बताया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, याद रखना। अब मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। अरे तुम मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो, अभी बताता हूँ। हथौड़ी पहलवान को साथ लाए हो? हाँ। खबरदार, जो हथौड़ी के बारे में कुछ कहा आज ये तुम्हारी छुट्टी करने वाला है। देखते हैं कौन किसकी छुट्टी करता है। हाँ, हथौड़ी इसे छोड़ना नहीं। आजा बच्चे, हथौड़ी आज इसे अच्छा सबक सिखाना। सबक तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। चलो अब मुझे बताओ कि तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे थे केनी जी? वो बस ऐसे ही। ये स्कूल है, कोई बागीचा नहीं। ये क्या? आखिर मुझे ये रंग मिल ही गया। मेरा बेटा बहुत खुश होगा। तुम मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो, अभी बताता हूँ। इस रंग को देखकर मेरे बेटे को बहुत खुशी मिलेगी। सर, ये तो मैं आपके बेटे के लिए तो लाया हूँ। आज तो के नीचे बाल बाल बच गया। तुम्हारा टिकट किधर है? ए बच्चे रुक जाओ। नहीं। आई अब आ। ए बच्चे रुक जाओ, तुम्हारा टिकट किधर है? रुको, किधर भागता है तुम? ए रुक जाओ, रुक जाओ। आई ये किधर भाग गया? अब अब आई आ। अब 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 निंजा का धुएं वाला बम। ये केनेची और हथौड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? वो दोनों बाहर खेल रहे हैं। उनके बगैर घर कितना शांत लगता है ना? क्या? बहुत अच्छा है। मैं थक गया हूँ। कौन हो तुम? वो किधर है? तुम किसे ढूंढ रहे हो? शायद वो ऊपर है। ऐसे क्यों रो रहा है? मेरे सर को फट रहा है और काम भी जाएगा आपसे। मुझे पता है उस तालाब। आखिर ये बच्चा करना क्या चाह रहा है? तौबा तौबा, क्या बच्चा था ये? ये क्या बदतमीजी है हमारा? अब तुम मेरी शिकंजे से नहीं बच सकते।
ये क्या पागलपन है? ये कोई पागलपन नहीं है, आज किसमें कितना दम है इस बात का फैसला होकर ही रहेगा, देखना। अरे कौन है, सामने तो आओ। अच्छे अच्छे मानो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़े भाई, मैं आपकी मदद करूँगा बड़े भाई। अच्छा तो तुम हथौड़ी के छोटे भाई हो? हाँ मैं इनका छोटा भाई हूँ, शिंजो हथौड़ी। क्या हथौड़ी का भाई? गिले 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 शो शो, अब तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ओहो ये क्या, तुम्हारी तलवार तो बांस की है। हाँ मैं बच्चा हूँ इसलिए मुझे असली तलवार रखने की इजाज़त नहीं है। तो तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि एक जाबाज निंजा बनना कितना मुश्किल है। सामना कर पाएगा? हाँ बिल्कुल, मैं ये सब अकेले संभाल सकता हूँ। तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। देखते हैं कौन जीतता है। मेरा लोने का जी कल्ला है। आप समझे कि कांगा के लोगों में शिंजो हथौड़ी। क्या हथौड़ी का भाई? गिले 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 शो शो, कितना दम है। देखा मेरा कमाल, अब हार मानते हो? हाँ मानता हूँ, हार मानता हूँ, हार गया। तुमने तो कमाल कर दिया छोटे भाई। लेकिन अब भी आपकी तरह माहिर नहीं हूँ। केनिची आओ, मैं तुम्हें अपने छोटे भाई से मिलवाता हूँ, ये है शिंजो। तुम्हारी चीख सुनकर ये तो बेहोश हो गया शिंजो। अच्छा तो ये हथौड़ी का छोटा भाई है। हाँ मुझे भी यही लग रहा था। हाँ मम्मी सच में ये हथौड़ी का भाई है। हमारे परिवार में अचानक 5 लोग हो गए। घर में कितनी रौनक बढ़ गई। मम्मी आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, प्लीज मत जाना। वो तो रोने वाली है। हाँ? तुम ये मत देखो शिंजो। आप हमें छोड़कर क्यों चली गई मम्मा? अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ोगे तभी जब तुम मुझे पकड़ पाओगे। अच्छा तो ये हथौड़ी। हम्म, जाने इसका आगे क्या होगा।